हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी किसी भी नंबर को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। कई तरीके हो सकते हैं एक नंबर को पढ़ने के लिए। जैसे कि हमारे देश इंडिया में नंबर को जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, और बाहर की कंट्रीज में नंबर को जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हम देखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे एक फैमिली होती है ना, फैमिली में बच्चा होता है, फिर माता पिता होते हैं, फिर दादा दादी होते हैं, हर एक का अपना स्थान होता है ना। तो उसी तरह से ही नंबर सिस्टम में भी हर एक की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। हर एक के प्लेस होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। आइए देखते हैं कि एक नंबर को कैसे पढ़ा जा सकता है इंडियन नंबर सिस्टम में। मान लीजिए ये नंबर है, सिक्स हंड्रेड सेवेंटी नाइन। अब हमने इसको कैसे पढ़ा, 679। आइए हम इसके प्लेसेस देख लेते हैं। जैसे ये वंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख, 10 लाख, और इसके बाद क्या होता है, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू होती है, और एक ऐसा चार्ट जो हर एक डिजिट की वैल्यू बताए किसी नंबर की, उसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इस नंबर को 679 को हम कैसे लिख सकते हैं। 600, इसका मतलब ये 100 प्लेस का नंबर है, 679, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस नंबर को या किसी भी नंबर को कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी नंबर होता है उसके साथ और क्या क्या जुड़ा होता है। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आते हैं वंस, ओके। और इसमें आते हैं जो जिस प्लेस के नंबर आते हैं वो है हंड्रेड, टेंस एंड वंस। उसके बाद आता है थाउजेंड्स। पहले वाले पीरियड में इसको बोलते हैं पीरियड, और इसको बोलते हैं प्लेसेस, यानी क्या प्लेस है, कौन सा पीरियड है, वंस पीरियड है, थाउजेंड्स है। इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट पीरियड में तीन डिजिट आती हैं, और उसके बाद दो दो के ग्रुप बनते हैं। यानी थाउजेंड्स में क्या आता है, थाउजेंड, और आता है 10,000, और उसके बाद ग्रुप होता है लैक्स का, और इसमें क्या आता है, लैख, फिर आता है 10 लाख। तो किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कोमा लगाते हैं। यानी अगर हमें दे रखा है नंबर 679420, ये नंबर हमें दे रखा है, तो हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे, लेट्स टाइप। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हम इसको लिखते हैं 0 2 4 9 7 6। अब इसको हम रीड करते हैं, ठीक है। रीड कैसे करना है, लैक है तो 6 लाख, कैसे कोमा पुट करना है, हम इसमें कोमा लगा के नंबर सिस्टम को आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 6 लाख, थाउजेंड ग्रुप है, 79,420,
ठीक। तो इस नंबर को हमने कैसे पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट हैं, 6 लाख, ये 1000 ग्रुप का आ गया, 79420। अब एक और नंबर पढ़ते हैं, नंबर है 70 या 78 49 260। चलिए इस नंबर को लिखते हैं अब, ठीक है, 0629487। अब यानी ये कहाँ आ गया, 10 लाख में, 10 लाख मतलब अब दो दो के ग्रुप बनने हैं, 78,49,260। तो ये क्या बना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे,78,49,260, ठीक है, ठीक। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और मान लीजिए अब हमें इस नंबर को लिखना है, मान लीजिए हमारा नंबर है 1, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब हमें इसको लिखना है, आप लगाइए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टीटीएच, 10,000, लाख। तो ये क्या बन गया, 1, फिर 2 के ग्रुप, फिर 3 का, ये क्या बन गया, 1 लाख, ओके। और अगर हम अब ऐसे कर दें इस नंबर को, यानी अब क्या हो गया, ये क्या बन गया, पहले 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, तो ये क्या बन गया, 10 लाख, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक और जीरो बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा, 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, ये सिंगल रहेगा, यानी कोमा पुट करेंगे, ये हो गया 1 करोड़, ठीक है।